Hi everybody. So on very, very popular demand, I have a very important lecture for you. आप में से बहुत बच्चों ने मुझे लिखा कि मैम हमारे घर की फाइनेंशियल स्टेट इज़ नॉट सो गुड एंड बिकॉज हमारे घर की फाइनेंशियल स्टेट इज़ नॉट सो गुड क्या आप कुछ हमारे लिए ऐसा कर सकते हो बिकॉज ऑफ विच हम एक बहुत अमेजिंग सेल्फ स्टडी का प्लान बना लें. सो आई थॉट येस लेट्स डू इट. Without wasting even one second of your time, let me give you the most detailed self-study plan. Trust me when I say this, agar aap is plan ko 100% follow karte ho, 100%, no power on earth can get you, you know, can stop you from getting a seat. Toh ek baat ko shuru karte hain. Dekhiye bachche, coaching ka matlab kya hota hai, pehle ye samjhiye. टीचिंग द राइट वे ताकि आपके नोट्स बने, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आप जो है आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मिलें, आपके बार बार टेस्ट हो जिनसे आपको पता चले कि एग्जैक्टली अब आप किस पोजिशन पर हो. ये काम होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का. बट ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर, एक इंस्टीट्यूट, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बट अगर आप डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन के साथ चलते हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहते हो, दीज थिंग्स यू कैन इवन डू ऑन योर ओन. यू कैन क्रैक नीट बाय सेल्फ स्टडी, बट यू विल नीड प्रॉपर नोट्स, यू विल रिक्वायर रेगुलर टेस्ट, यू विल रिक्वायर टू बी द बेस्ट. लाइक अपनी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पर ले जाने की जरूरत है. वो कैसे करें? सबसे पहले जरूरी है कि जैसे कोचिंग बहुत एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, हर 15 दिन के बाद टेस्ट होता है, इस हफ्ते ये करवाया जाएगा, इस महीने ये करवाया जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म करवाया जाएगा. सो इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू सेट योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज. यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सेल्फ स्टडीज इज दैट यू आर नेवर एबल टू फॉलो अ टाइम टेबल. यू आर ऑलवेज अवॉइडिंग दैट टाइम टेबल. सो यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल दैट यू फॉलो. यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड extremely motivated because you will not have peer group, you will not be in a class, किसी को देखकर motivate हो गए, उसके number ज़्यादा आए, उसके number कम आए, teacher ने डांट दिया, motivate हो गए, नहीं. You will have to stay focused and self-motivated and you will have to take all the necessary steps, give special attention कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, so that you are able to crack the examination. But remember, where there's a will, there's a way. So how do we do that? In study schedule, ये सारे चेंजेस जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप करोगे, डेफिनेटली आप खुद बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम क्रैक कर सकते हो. सबसे पहले स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. भले ही आप 22 एस्पिरेंट हो जिसके ढाई तीन महीने में एग्जाम है, या 23 एस्पिरेंट्स हैं हु हैव अ ईयर, व्हाट कैन यू डू? यू कैन मेक अ प्लान टू फर्स्ट टेक अप अ चैप्टर, देन रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी. राइट, सबसे पहले आज के चैप्टर करना है, उसको एनसीईआरटी से पढ़ो, उसके बाद ही कोई और रेफरेंस बुक पे जाओ. एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, एनसीईआरटी कर ली, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी वो किसी रेफरेंस बुक से कर ली, हो सकता है उसके बहुत छोटे जिस्ट फॉर्म के आपने अपने लिए नोट्स बना लिए, देन यू मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स. जब भी आप अपनी बुक पढ़ो, अब आपके पास कोचिंग मॉड्यूल्स नहीं होंगे, आपके पास टीचर के हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे जो वेदांत में हम देते हैं, तो जब आप अपनी पढ़ाई करो, मेक श्योर आप साथ के साथ अंडरलाइन कर रहे हो, साथ के साथ अपने नोट्स बना रहे हो. जब भी सेल्फ स्टडी करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो फेवरेट होता है. कोचिंग में तो ऐसा नहीं होता, सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है. सो बहुत ज़रूरी है दैट यू डोंट इग्नोर द सब्जेक्ट्स यू आर वीक इन. राइट, पेपर ऐसा स्ट्रक्चर्ड होता है कि कई बार आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे. सो फॉर दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट आप सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हो, एंड दैट इज वेयर आपका बहुत, यू नो, योर अटेंशन, योर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, गेट इन टच विद मी, आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम. कोचिंग में बार बार टेस्ट होते हैं, कई बार फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, कई बार फुल मंथ टेस्ट होते हैं, पुराने सिलेबस का रिवीजन टेस्ट होता है. तो ये जो रिवीजन की आदत है कि पढ़ते तो चले गए पर पुराना भूलते चले गए, इसको भी आपको अपनी सेल्फ स्टडी का पार्ट बनाना है, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, इट इज़ सो ईजी टू फर्गेट.
देन समटाइम्स जो आप सेल्फ स्टडी करते हो आपको पता ही नहीं चलता कितना करना है. कई बार आप बहुत कम पढ़ लेते हो या बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो. सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रेगुलरली, टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द टेस्ट, टू नो अबाउट द प्रेशर सिचुएशन, दैट आर यू एबल टू मैनेज दीज मेनी क्वेश्चन इन दिस मच टाइम, सो दैट यू आर एबल टू लिमिट योर टाइम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स. कि इतने टाइम में ही फिजिक्स खत्म करनी है, इतने टाइम में ही केमिस्ट्री खत्म करनी है. वंस यू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर्स यू आर एबल टू डू वेल ऑटोमेटिकली, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. तीन चीजों को आपने ध्यान रखना है सेल्फ स्टडी में, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस. सबसे पहले पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और एमसीक्यूज करो. डिफिकल्ट टॉपिक्स को अवॉइड नहीं करना है, उनको भी बार बार साथ में पढ़ते रहना है. कोई भी बड़ा टॉपिक है ओवरवेल्म नहीं होना, उसको लीव नहीं करना, उसको छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट करो, पढ़ाई करो. कंपेरेटिव चार्ट्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ. मेरी निमोनिक्स और हैंडमेड माइंड मैप्स की बुक भी आ रही है, आई विल टेल यू अबाउट इट, राइट? तो उनसे कंपेयर करके पढ़ते चलो. सारी डेफिनेशंस जो फ्लायर्स से, नोट्स से, जो कोचिंग में मिलते हैं, खुद बनाने पड़ेंगे. सारी डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव्स, बायो के चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, सब चीजें एक कॉपी में एक जगह लिखते चले जाओ, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. फिजिक्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला, सारे चैप्टर्स के एक जगह लिखो. मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत सॉल्व करो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. डायमेंशनल एनालिसिस, हीट ट्रांसफर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रोटेशनल डायनेमिक्स, वेव, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चंस जरूर आते हैं. केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत फ्रेम्ड डिटेल्ड बुक है, सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक पहली बार में देखने की जरूरत नहीं है. कुछ समझ में नहीं आना, देन यू कैन रेफर टू द रेफरेंस बुक. फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद अगर आप उनको अप्लाई नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं. लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेमोराइजेशन की जरूरत होती है. प्लीज मेक श्योर आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे डिमांडिंग है, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन आयन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है. बायो के लिए अगर आप सिर्फ बायोटोनियन हो, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है. ऑल्दो इस साल में 11th, 12th, 13th और क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस वेदांत पर ले रही हूँ. सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, हमारे सारे वेदांत बायोट्रॉनिक के नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. प्लीज मेक श्योर दैट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आप में, यू नो, कई बार मेमोरी बेस्ड आते हैं, कई बार एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, कई बार साइंटिस्ट बेस्ड आते हैं, कई बार डायग्राम बेस्ड आते हैं, कई बार ट्रू फॉल्स बेस्ड आते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप आते हैं. बायो में अगर कई बार आपको लगता है मुझे बहुत सारी चीजें याद रखनी है, प्लीज मेक श्योर आप निमोनिक से चीजें याद रख रहे हो, माइंड मैप्स बना रहे हो. Diversity, structural organization, cell structure, human plant physiology, reproduction, genetics, human welfare, biotech and ecology main topics hain. Animalia aur planti mein sabko cheeze bhul jati hai. Dhyan rakhiyega ki aap mind maps banate chale. Classes of chordates ke sare examples NCERT se yaad kariyega. सारे बच्चे पढ़ाई तो करते हैं बट फिर भी कुछ ही बच्चों के नंबर क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार मिस्टेक्स करते हैं. क्या मिस्टेक्स करते हैं? टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते, बहुत हेक्टिक शेड्यूल बना देते हैं, दिन में 12-13 घंटे पढ़ने का फॉलो नहीं होता. अगर आप 11th में 4-5 hours, अगर आप 12th में 6-7 hours, मोर देन इनफ. एनसीईआरटी को किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं करना है. एनसीईआरटी इग्नोर की मतलब टाइम टाइम 70-75% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं. Too many cooks spoil the broth, too many books spoil your neat score. Too many books, too many telegram groups, too many people, too many MCQ book solving. नहीं, एक book multiple times is the answer. किसी subject को और किसी topic को ignore मत कीजिए. At least bare minimum से ज़्यादा तो उसमें तैयारी कीजिए. It should not pull you down. ये सब आप घर बैठ के कर सकते हैं. बट अगर मैं कहूँ दैट इन जस्ट 400 rupees, नॉट लाइक सम लाखों करोड़ों की कोचिंग, आपको पूरे साल की 11th और 12th पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. और 1800 rupees में आप पूरा क्रैश कोर्स ले सकते हो अगर 12th में हो. अगर 11th मूविंग टू 12th मतलब नए 12th में आ रहा 23,
तो 500 रुपीज पर मंथ में आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। ये रहा आपकी पूरी क्लासेस, जिसमें क्लास में डाउट सॉल्व होंगे, क्लास में फीडबैक होगा, इंटरेक्शन होगा, क्लास में नोट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होगा, रिविजन होगा, क्लास में आपका टोटल लाइव क्विजेस होंगे, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। ये देखिए कैसे आपका डिटेल में टाइम टेबल बनेगा। दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं। इस 8000 रुपीज में आपको पता होना चाहिए, और टुडे इज द लास्ट डे, बिकॉज कल से मेरी क्लासेस मंडे से शुरू हो रही है 28 से। इसमें आपको 12th मिलेगी, 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी प्लस जूलॉजी मिलेगा, टेस्ट होगा, असाइनमेंट होगा, वेदांतों का मटेरियल की रिकॉर्ड का सॉफ्ट कॉपी होगा, इसमें आपको फ्री क्रैश कोर्स होगा, जिसमें 11th होगा, 12th होगा, जून 2023 तक कंप्लीट सपोर्ट होगा, क्लास में लाइव डाउट्स होंगे इन द क्लास। दिस कम्स टू 500 रुपीज पर मंथ। वीडी प्रो कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है, जो भी मेरा नया बैच मंडे से शुरू हो रहा है, कोड लगाइएगा VDNEET जस्ट फॉर 1800 रुपीज। प्लीज इन्हें मिस मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आ जाइए। टेक केयर, बाय बाय। नीट फ्यूजन बैच कल से मेरी क्लासेस शुरू है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाय बाय गाइस। एंड ये मैं एक बार लास्ट टाइम लिंक दिखा देती हूँ क्रैश कोर्स का, लाइव क्लास, लाइव क्विजेस, लाइव हॉटस्पॉट्स, लाइव पोल्स, VDNEET, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो VD प्रो एंड VDNEET आर, क्रैश कोर्स लेना है VDNEET, लॉन्ग टर्म मेरा बैच लेना है VD प्रो। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट, टेक केयर, बाय। कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, टेलीग्राम में मुझसे बात करनी है, ये रहा मेरा यूजर नेम, आ जाइएगा। टेक केयर, बाय।